तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर जो कि आपका आज का कंप्यूटर एंटी वायरस, यानी कि कंप्यूटर वायरस एंड कंप्यूटर एंटी वायरस क्या होता है कि जैसे कि एक ह्यूमन की बॉडी में जब फीवर आता है तो एक वायरस के थ्रू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, और जैसे कि आजकल आपने देखा ही है कोविड भी चल रहा है। तो वायरस एक कोविड हो गया और एंटी वायरस हो गया उसकी एक डोज, यानी कि उसको किस तरह हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको सुधारना है इन चीज़ों को। तो वायरस से हमें क्या-क्या डेंजरस हो सकते हैं, यानी कि खतरे हो सकते हैं, और एंटी वायरस क्या होता है कि किस तरह उसकी प्रॉब्लम को किसी भी कंप्यूटर में सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे वायरस एंटीवायरस क्या होता है, किस तरह रन होते हैं, किस तरह और क्यों बनाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्राफिक्स, जैसे कि कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ठीक है, तो सबसे पहले वायरस होता है, जैसे देख सकते येल्लो ट्राइंगल में एक चीज़ बनी हुई है, उस पर एक सिंबल है वायरस का। नेक्स्ट इज दैट कि ग्रीन कलर का कोई एक ग्राफिक्स के थ्रू आपको दिखाया गया है, एक कार्टून टाइप में है। थर्ड इज़ दैट कि वो प्रोटेक्शन मैन है, यानी कि हम लाइक कुछ ऐसा कि स्कैन करता है वो चीज़ों को। थर्ड ही भी है, फोर्थ भी है। ठीक है, तो लास्ट के तीन जो हैं आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि हम उनको सॉफ्टवेयर्स भी बोल सकते हैं कि ठीक है। और जो वायरस है आपका वो होता है, यानी कि दो जो आगे आपको सिंबल्स दिखाए गए या ग्राफिक्स के थ्रू आपको दिखाया गया, यानी कि एंटीवायरस यानी कि वायरस। ठीक है, तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह ये चीज़ हम इसको क्लियर कर पाते हैं। तो नेक्स्ट इज दैट कि वायरस व्हाट दे आर, ये क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे या क्या करते हैं। ठीक है, वेयर दे कम फ्रॉम, ये आते कहाँ से हैं, कि किस तरह कंप्यूटर्स वगैरह में अटैक होता है इनका, व्हाई दे आर हेयर, यानी कि ये होते क्यों है कंप्यूटर में। लाइक इन सब चीज़ों का हम आज एक आंसर देखेंगे। ये सब के सब वायरस आई होप कि हर एक कंप्यूटर में मिलते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इनको देखा जाता है कंप्यूटर्स वगैरह, हैंगिंग प्रॉब्लम होती है, अपने आप कोई पेन ड्राइव करप्ट होती है, या कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक होती है, या कुछ भी लगाओ आप कोई डाटा चल नहीं पाता है। ठीक है, तो आज की डेट में हैकर्स लोग भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं कि किसी के सिस्टम को जाम कर देते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम इसको देखने वाले हैं अभी अपनी स्लाइड में। तो चलिए फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस, यानी कि ये कंप्यूटर वायरस है क्या। जैसे कि एक ग्राफिक दिखाया गया है आपके नीचे कंप्यूटर में स्क्रीन पर, जो मेरी पीपीटी के अंदर है। तो कंप्यूटर वायरस आर स्मॉल सॉफ्टवेयर और कोड दैट कैन यूज डैमेज टू योर डाटा एंड सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर वायरस जो होता है एक बहुत छोटा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मान के चलिए क्रिस्टल्स हों, नहीं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाए जाते हैं एक। ठीक है, अगर किसी कंप्यूटर में वायरस आता है, जैसे नेट वगैरह पर आप जब कोई साइट्स वगैरह ओपन करते हो तो कुछ साइट्सों पर वायरस छोड़ दिया जाता है किसी डाउनलोडिंग फाइल के साथ, जब वो आप फाइल एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके साथ वो सारा वायरस आपको मिल जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर, जो कि एरर आता है। यानी कि एक स्मॉल पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का जो कोडिंग के थ्रू पूरा सिस्टम कवर किया जाता है और जो आपके कंप्यूटर के डाटा वगैरह को मतलब हैंग कर सकता है या करप्ट कर सकता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो जब कंप्यूटर हैंग होता है, लैक होता है, या फिर जैसे मैंने बताया कोई फाइल है किसी दूसरे कंप्यूटर में लगती है तो वो ओपन नहीं हो पाती, तो इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि आपका अपना पर्सनल डाटा कहीं ना कहीं क्रैश हो जाता है इनके थ्रू। ठीक है, और सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो वायरस होते हैं वो ऐसे भी आपके पास आ सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड का कोई कंप्यूटर है तो पायरेटेड वे साइट्सों से हम गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो हो सकता है आपके फ्रेंड ने कोई गेम डाउनलोड किया हो, आप उससे पेन ड्राइव से लाए तो उसके उस फोल्डर में कुछ वायरस वगैरह आ जाए आपके पीसी में, तो ये इस तरह भी वायरसेस आ सकते हैं आपके कंप्यूटर में, जो कि ज़्यादा हैवी वायरस होते हैं, वो आपके कंप्यूटर को काफ़ी अच्छे से क्रैश कर सकते हैं, यानी कि बेकार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं।
व्हाट ए कंप्यूटर वायरस डू, एक कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में क्या कर सकता है, ठीक है, कि ए वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, एक वायरस आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आपका उस पर कंट्रोल खो जाएगा। सपोज ऐसे कि आप कोई फोल्डर ओपन करने चाह रहे हो सकता है वो ना हो, एक वायरस उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए एंटीवायरस बनाए जाते हैं उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो ये वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि एक वायरस आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, सिस्टम एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, यानी कि जो सिस्टम की एक पहली अपॉर्चुनिटी होती है कि एक ह्यूमन उस चीज़ को कंट्रोल करे, सिस्टम आपका खुल जाएगा, आप थोड़ी देर उसको कंट्रोल कर पाओगे, जैसे ही वायरस उन चीज़ों को कनेक्ट करेगा आपस में, आप कोई फाइल खोल रहे हो तुरंत उसमें वो आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आपका कंट्रोल उस चीज़ से खो जाएगा। यानी कि एक वायरस के पास अपॉर्चुनिटी होती है एक कंप्यूटर को क्रैश अच्छी तरह से करने की। आल्सो इट मेक ए कॉपीज ऑफ इट सेल्फ एंड ट्राई टू कैरी हार्मफुल टास्क रिटन इन दिस प्रोग्राम, यानी कि ये हो सकता है कि आपकी कॉपीज पे कॉपीज अपने आप ऑटोमेटिक निकाल दे, ठीक है, खुद सेल्फ निकाल दे, यानी कि जैसे कि पेन ड्राइव में कोई फोल्डर है तो उसका डुप्लीकेट निकाल दे अपने आप ही। आप सोचो पेन ड्राइव में मेरे में तो यही फोल्डर था तो ये शॉर्टकट बना कैसे, तो जैसे कभी कभी आपने देखा हो आपकी पेन ड्राइव में शॉर्टकट्स वगैरह बन जाते हैं, तो वो सारा कुछ वायरस का ही प्रोसेस गेम होता है, ठीक है। इन थर्ड टॉपिक इज दैट के दिस प्रोसेस कैन हैपन सो क्विकली दैट द यूज़र इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ए वायरस इन कंप्यूटर, यानी कि एक जो यूज़र होता है कंप्यूटर का वो जो है इसके लिए रेडी नहीं होता, और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत क्विकली कंप्यूटर में अपना प्रोग्रेस करता है कि किस तरह उसको एक कंप्यूटर को हैंग करना है, या आपको कंप्यूटर को क्रैश करना है, या किस तरह वो आपको अवेयर कराएगा कंप्यूटर से, ठीक है। हो सकता है आप कोई वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर लैग करे वायरस की वजह से, तो हो सकता है कि आप थोड़े इरिटेट हो, ठीक है। तो इस जो वायरस का प्रोसेस होता है इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्विकली ये आपको रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन हैप्पी सो क्विकली दैट द यूज़र इज नॉट इन अवेयर, यानी कि मैं जैसे मैंने बताया एक यूज़र इस चीज़ से अवेयर नहीं होता। सपोज़ आप पेन ड्राइव में कहीं से वर्क लाते, कहीं से कोई चीज़ लाते हो, तो हो सकता है आपको ना पता हो कि दूसरे के सिस्टम में वायरस है, और आप अपने में उस चीज़ को पेन ड्राइव को लगाओ, वायरस तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सारा प्रोसेस होता है कि क्या क्या वायरस कर सकता है, आपकी विंडो क्रैश कर सकता है, आपके डाटा को लॉस कर सकता है, आपके हार्ड डिस्क को उड़ा सकता है, रैम में जितना भी हार्ड डिस्क में जितना भी डाटा होता है उस चीज़ को बेकार कर सकता है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपका डाटा भी चोरी करवा सकता है एक वायरस, ठीक है, आपके कंप्यूटर को हैंग होके, तो ये सारा कुछ कर सकता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वायरस, के वायरस की हिस्ट्री क्या है। लाइक एनी अदर फील्ड इन कंप्यूटर साइंस, वायरस हैव एवॉल्व ओवर देयर ओवर द ईयर, यानी कि काफ़ी सालों से, ऐसा नहीं है कि वायरस अभी अभी आया कंप्यूटर में, तो कुछ कंपनियां खुद से भी बनाती हैं ताकि सिस्टम क्रैश करें और उनको अर्निंग का मौका मिले, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि बनाई जाती हैं और बट उनके लिए रिपेयरिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसा कंपनी करना चाहती है, तो इसलिए कंपनी इस चीज़ों को भी आपको प्रोवाइड करती है वायरस वगैरह, कि आप किसी के लिए वायरस हेल्पफुल भी हो सकता है जिसके पास गया उसके पास हेल्पफुल ना हो। जैसे साइबर अटैक होते हैं हैकिंग के, तो जैसे बड़े बड़े जैसे पाकिस्तान में हैकर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम जाम करके अपनी इंडियन गवर्नमेंट का, या फिर इंडियन गवर्नमेंट कहीं करना चाह रही है, रशिया हैकर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम हैक करके ताकि सामने वाला बंदा कुछ कंट्रोल ना कर पाए अपने कंप्यूटर, वो सारा सिस्टम डाटा चोरी कर लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज कॉल्ड ए क्रीपर, जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था क्रीपर। तो इट वॉज इन्वेंट इन द अर्लियर 1971 बाई बॉम थॉम्स, ठीक है। तो इसको जो बॉम थॉम्स का नाम का आदमी है, 1971 में इसको बनाया था उसने। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन डिज़ाइन नॉट टू डैमेज द कंप्यूटर बट ओनली टू डिस्प्ले ए मैसेज, यानी कि ये सिर्फ एक सिंपल ज़्यादा हैवी वायरस नहीं था, एक डिज़ाइन किया गया था, ये कंप्यूटर को ऐसा डैमेज हार्ड पहुंचाता नहीं था बट डिस्प्ले पर ये चीज़ दिखता था, ठीक है। सिंस द मिलियन ऑफ वायरस हैव बीन इन्वेंटेड, यानी कि उसके बाद काफ़ी मिलियंस वायरस इस चीज़ में घुसने लगे थे। तो ये एक आपकी सिंपल सी हिस्ट्री है वायरस की, कि किस तरह वायरस ट्रेंड में आया और वो चीज़ चला, ठीक
ठीक है, तो नेक्स्ट हिस्ट्री नेक्स्ट देखते हैं। तो व्हाई डू पीपल क्रिएट कंप्यूटर वायरस, यानी कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर वायरस क्या कर, मतलब कि चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं, व्हाई डू पीपल क्रिएट कंप्यूटर वायरस, कि कंप्यूटर वायरस लोग बनाते क्यों हैं। ठीक है, एनी प्रोग्राम कैन मेक ए वायरस टू, यानी कि जो भी प्रोग्रामर होते हैं ठीक है, वो वायरस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर एंड यूजेस फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कि इसलिए यूज़ करते हैं लोग वायरस को ताकि वो कंट्रोल कर सकें आपके कंप्यूटर पर और स्पेसिफिक टास्क के लिए, कि आपका कोई भी डाटा इजीली देखने के लिए और आप कुछ नहीं कर पाते हो उस चीज़ पर। जैसे कि मूवियों में भी देखा हो, कुछ चीज़ प्रोसेसिंग होती है, कोई दूर बैठा बंदा उनका सारा डाटा लोड कर लेता है और वो ना कैंसिल कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, पासवर्ड तक क्रैक कर लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, टू सेटल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेकंड टॉपिक में है, जैसे मैंने अब आपको भी बताया था कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गए, नंबर हो गए आपके अकाउंट से पैसा साफ, जो कि हैकर करते हैं। ठीक है, कहीं दूर बैठे बैठे किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं जिसका सारा पैसा निकल जाता है। ठीक है, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, आपका जितना भी डाटा हो सकता है किसी कंपनी वगैरह की, पीपीटी वगैरह, सारा कुछ वो इजीली हैक कर सकते हैं। तो इसलिए वायरस आपके कंप्यूटर में लोग क्रिएट करते हैं और इसलिए वायरस आते हैं। तो हम लोग तो छोटे छोटे वायरसों को फेस करते हैं, पर वायरस बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो कि सारा डाटा लीक कर देंगे आपके कंप्यूटर से, दूर बैठा एक इंसान एक वायरस के जरिए। ठीक है, तो टू टेक मनी एनी प्रोग्राम, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे है व्हाई डू पीपल क्रिएट कंप्यूटर, तो वायरस, तो इसमें आगे चलते हैं हम, देखते हैं। टू टेक मनी, पैसा चुराने के लिए, जैसे मैंने बनाया था। टू प्रूव वन स्किल फॉर रिवेंज पर्पज, यानी कि कोई दिल पर किसी चीज़ को बात ले लेता है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तो वो हो सकता है उस पर्पज से भी उसको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए उन चीज़ों को कर दे। ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा सा मिसयूज अपने वायरस का। ठीक है, टू डिसेबल ए कंप्यूटर और नेटवर्क, आपके एक नेटवर्क से आपके कंप्यूटर खो दे, यानी कि कोई आपका नेटवर्क जाम कर दे, जैसे कि मान के चलिए हैकर्स होते हैं और कुछ डाटा लीक करते हैं, जैसे आर्मी बेस हो गया, अगर आर्मी का डाटा लीक किया जाए तो पहले उस पर वायरस छोड़ा जाएगा ताकि आर्मी वाले कुछ ना कर पाएँ, अपने कंप्यूटर बंद ना कर पाएँ या कुछ बटन प्रेस करके ऐसा कुछ ना कर पाएँ, तो उनका डाटा सीधा सीधा चोरी होता रहेगा, यानी कि उनका नेटवर्क से भी कनेक्शन खो जाएगा। ठीक है, हाउ डू वायरस स्प्रेड, यानी कि कंप्यूटर वायरस यूजली स्प्रेड इन वन ऑफ थ्री वेज, यानी कि फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया, यानी कि जो आपकी पेन ड्राइव होती है, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था, आप किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा के अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं तब भी वायरस आ सकता है, और ये काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है किसी के कंप्यूटर में वायरस डालने का या फिर आ जाने का। हाउ डू वायरस स्प्रेड, जैसे कि फ्रॉम डाउनलोड्स ऑफ द इंटरनेट, जैसे कि मैंने बताया था, आप कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हो या किसी वेबसाइट पर जाते हो, तो उन फाइलों के थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस ईजीली घुस सकता है और आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सारा एक प्रोसेस होता है एक कंप्यूटर में वायरस घुसने का और आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। विंडो 10 आ गई है, अब छोटे मोटे वायरसों को स्टार्टिंग में हैंडल कर लेती है, आपको कंप्यूटर में इतना डैमेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद एंड फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ईमेल के थ्रू भी आपको कोई वो आ जाता है वायरस, जैसे कोई ईमेल के थ्रू अगर तुम में से स्टूडेंट्स में से कोई काम करता है तो उसमें आता है नो वायरस स्कैन या वायरस फाउंड, कभी कभी जब कोई चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी फाइल को। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आ सकता है, जो कि ये भी हार्मफुल हो सकता है एक पीसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू डिटेक्ट ए वायरस, कि एक वायरस को कैसे हम फाउंड करें, जैसे कि एक ग्राफिक्स के जरिए एक बंदा नॉर्मल कान में डॉक्टर का वो लगा के देख रहा है उसको। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर कुछ ग्राफिक्स में दिख रहा है बीमार जैसा, तो कैसा पता लगाएं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो योर कंप्यूटर फंक्शन स्लोअर देन नॉर्मल, यानी कि पहला जो होगा आपका जो कंप्यूटर होगा काफ़ी स्लो हो जाएगा पहले से। ठीक है, सेकेंड इज योर कंप्यूटर रेस्पॉन्ड स्लोली एंड फ्रिज ऑफ्टन, यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर चला रहे होंगे और कुछ चीज़ चलाते चलाते कुछ चीज़ हैंग हो जाती है, यानी कि फ्रीज हो जाती है, फ्रीज कुछ चीज़ जम जाती है, यानी कि जम मतलब कि ऐसा नहीं है कि बर्फ़ जम जाती हो, मतलब कि कुछ चीज़ रुक जाती हो डिस्प्ले पे और आप कुछ ना कर पाएँ,
वहाँ हैंगिंग प्रॉब्लम जो आती है वो एक वायरस का सीन हो सकता है। एंड थर्ड इज़ दैट योर कंप्यूटर रिस्टार्ट इट्स ऑफ्टन, यानी कि आपका कंप्यूटर बार बार अगर रिस्टार्ट हो रहा है तो ये भी एक वायरस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं वायरस की, वो कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो सकती ये तीनों जो हैं, तो ये सारा कुछ वायरस का ही प्रॉब्लम आ सकता है। कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाने के बाद फ्रीज हो जानी स्क्रीन, या फिर आपका कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है कंप्यूटर वायरस को हम कैसे पहचान सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, यू सी अनकॉमन एरर मैसेज, यानी कि आप बार बार कोई अनकॉमन मैसेज ऐसे देखेंगे, कोडिंग का कोई छोटा सा पैनल खुल गया आपकी डिस्प्ले, तो आप सोचेंगे उसको कट करेंगे तो कट नहीं हो रहा है, काफ़ी क्लिक के बाद वो कट हो रहा है आपकी डिस्प्ले से। तो इतना सारा जो कुछ प्रोसेस आता है वो सब एक वायरस होता है। एप्लीकेशन वॉज नॉट स्टार्ट, ठीक है, या वॉन्ट स्टार्ट, एप्लीकेशन कोई रन कराते हैं तो एरर बताता है कि आपका इस चीज़ का एरर है और एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है। यानी कि जो भी आपने उसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाले हो, यानी कि कोई गेम चलाना चाह रहे हो या कोई फाइल खोलना चाह रहे हो, तो मे भी हो सकता है वो शायद एरर दिखाए तो और रन ना हो आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। योर एंटीवायरस हैज़ डिसपेयर्ड एंड फेयरवेल इज़ डिसपेयर, आपका कुछ वायरस ऐसे भी आते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, ठीक है, वो आपके एंटीवायरस के थ्रू उसको विजिबल ना हो तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि एंटीवायरस आपके में हो स्कैन करने वाला और कोई वायरस आपके कंप्यूटर में घुस गया हो तो वो शायद उसको डिटेक्ट ना कर पाए, या फिर डिटेक्ट कर ले तो आपको डिस्प्ले करे। दो चीज़ें भी हो सकती हैं कि एक तो कि कंप्यूटर के जो एंटीवायरस को कैसे पकड़ा जाए, सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे कि काफ़ी नाम होते हैं सॉफ्टवेयर्स के उनके एंटीवायरस के, कि वो जब आप अपना कंप्यूटर स्कैन करें तो वो सारा वायरस को खा जाए और एंड में फाइनल जो आउटपुट देता है कि मैंने इतना स्कैन किया, चार वायरस डिटेक्ट करें। तो आप इस तरह से भी वायरस का थोड़ा सा देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इस तरह भी चीज़ों को मतलब कि वायरस में देख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वायरस, कि कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, सम वन ऑफ देम द आर, यानी कि यहाँ काफ़ी तरह के वायरस हो सकते हैं, जैसे कि फीवर काफ़ी तरह के होते हैं, या फिर कोई एक इंसान के ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी बीमारियाँ होती हैं जो कि अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि पहले मैक्रो वायरस हो गया, ठीक है, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया जो फाइल को खुलने नहीं देता, बूट सेक्टर वायरस हो गया जो कि कंप्यूटर कभी कभी बूटेबल चला जाता है या पेन ड्राइव के थ्रू बूटेबल किसी की विंडोज़ वगैरह में आ जाता है, ईमेल वायरस हो गया ईमेल के थ्रू, ट्रोजन वायरस हो गया, रेसिडेंट वायरस हो गया, मल्टी प्रेस्टेड वायरस हो गया, वॉर्म वायरस हो गया। तो ये काफ़ी अलग अलग तरह के वायरस हो सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल हैं एंड आपके लिए भी, ना कि आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो ये इतने तरह के वायरस आप फेस कर सकते हैं। तो जैसे कि एंटीवायरस, अभी तक तो हम बात कर रहे थे एंटीवायरस के, अब एंटीवायरस क्या होता है हम इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि एंटीवायरस किस तरह प्रोसेस होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को वो किस तरह प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक एंटीडोज जो होती है एक इंसान को बुखार से कैसे फ्री कराती है। जब आप बुखार आता है तो एकदम इंसान थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, यानी कि थक जाता है, बुखार चला जाता है तो इंसान एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ ग्राफिक्स के थ्रू आपका कंप्यूटर वही स्माइल दे रहा है, जहाँ पहले उसको वायरस मिला था वो थोड़ा सा टायर्ड हो गया था, ठीक है। तो हम देखेंगे अब एंटीवायरस को कि किस तरह वो रनिंग में होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं अपनी। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह चलते हैं। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस, एक जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं वो सारे को क्लीन करता है, एंड अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वॉर्म एंड ट्रोल्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर। यानी कि जितना आपके कंप्यूटर की परेशानी होती है वायरसेस की, वो उन सब चीज़ को क्लीन कर देता है, आपके कंप्यूटर से बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है। आल्सो एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम फ्यूचर वायरस अटैक, यानी कि आपके कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़ा हो तो फ्यूचर तक के लिए वो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा
अटैक चीज़ से, यानी कि टेररिस्ट मान के चलते हैं हम, इस एंटीवायरस को हमारे लिए तो टेररिस्ट ही हो सकता है, कंप्यूटर को हमारे प्रोग्राम में घुसकर किसी चीज़ को क्रैश करे, हमारे पर्सनल डाटाओं को चोरी करे या क्रैश करे, तो ये क्या करेगा आपका एंटीवायरस कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब प्रोटेक्ट करेगा वो, तो हमारे पास ऐसा कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है फिर कंप्यूटर में कि फाइल क्रैश हो या कुछ ऐसा हो। तो आपने भी देखा होगा बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को बनाते हैं कि हमारी कंपनी में किसी भी चीज़ का कोई एरर ना हो, कोई डाटा चोरी ना हो, कोई कंप्यूटर वायरस छोड़े तो हम उस चीज़ को इजीली हैंडल कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ मैनी एंटीवायरस वर्क, ठीक है। हाउ एन एंटीवायरस वर्क, एक एंटीवायरस वर्क किस तरह कर सकता है, जैसे कि अभी था, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एग्जामाइन ईच एंड एवरी फाइल इन ए कंप्यूटर एंड एग्जामाइन इट कंटेंट विद द वायरस डेफिनेशन स्टोर्ड इन इट्स वेरी डिक्शनरी। यानी कि जो सॉफ्टवेयर को जब हम रन कराएंगे अपने कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए, तो जितनी भी फाइल्स में कहीं भी डाटा छुपा होता है उसकी डिक्शनरी में, आपके कंप्यूटर की में, किसी भी प्रोडक्ट उसमें फोल्डर में, तो जब हम स्कैन कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट कर देता है वहाँ से, यानी कि हटा देता है और आपको फाइनल आउटपुट पर विजिबल करा देता है कि मैंने इतना वायरस आपके कंप्यूटर से डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो आप उसमें एक भी ये चीज़ और देता है बाद में कि आप स्टिल रखना चाहते हैं या इसको रिमूव करना चाहते हैं। आपने स्टिल रखा तो वायरस फिर वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है, या फिर आपने उसको रिमूव कर दिया तो हट जाएगा, और स्टिल कर दिया तो वहीं रह जाएगा। एक वायरस डिक्शनरी इज़ एन इनबिल्ट फाइल बिलोंग टू एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट कंटेन कोड आइडेंटिफाई एज ए वायरस बाय द एंटीवायरस ऑथर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी वायरस उसके अंदर होगा इनबिल्ट, ठीक है, किसी फाइल में, तो जो एंटीवायरस अच्छा होगा आपका तो उसके कोड को अच्छे से क्रैक कर पाएगा वो, और उसको अच्छे से निकाल पाएगा। जैसे सपोज एक ह्यूमन बॉडी को बुखार आ जाता है तो कभी कभी कोई एंटीडोज उसके लिए काम नहीं कर पाती है उसको बुखार ठीक करने के लिए, तो फिर वो दवाई चेंज करता है। तो उसी तरह से अगर एक आपका वायरस एंटीवायरस अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है किसी वायरस को, तो उसके कोड को क्रैक करके वहाँ से उस चीज़ को हटा देगा। जैसे कि मैंने बताया था वायरस क्या है, एक स्मॉल कोड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था अपनी स्लाइड में, ठीक है। तो इस तरह से ये रन होगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, वायरस डिक्शनरी, जैसे कि वायरस फाउंड एंड वायरस कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे मान के चलिए आपका 10251 फाइल है, ठीक है, और 10235 इतनी सपोज ये फाइल वगैरह हैं आपकी चार, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरस क्या करेगा कि आपकी फाइल को क्लीन करके जो वायरस डिक्शनरी है वहाँ पर उस चीज़ को प्रेजेंट करेगा। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम है आपका, जो ये पर्पल कलर का आ रहा है पहले 10251 जो पहला नंबर है, यानी कि ये वायरस के साथ नंबर है। सपोज आपके कंप्यूटर में 10235 फाइल है, ठीक है, बट वो दिखा रहा है 1025, यानी कि उसमें जितनी एक्स्ट्रा फाइल है वो सब वायरस हैं, ठीक है। तो वायरस जब फाउंड करेगा तो आपका इस तरह सब चीज़ क्लीन हो जाएगी, जैसे ग्रीन आ रहा है अब, जैसे उसमें इतना है, जो भी कम बढ़ती होता है एक्स्ट्रा या ज़्यादा होता है, वो उस चीज़ को सारा कुछ डिटेक्ट करके उस चीज़ को ईजीली वहाँ से स्कैन कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस, यानी कि आप अपना सिस्टम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक वायरस के थ्रू। टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप, यानी कि पहला कि आपको अच्छे कंपनी का एंटीवायरस रखना है। जैसे कि आप एक अच्छी कंपनी का फ़ोन रखते हैं, स्पीड देखते हैं, सब चीज़ करते हैं, एक अच्छी कंपनी के कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं फटे कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको अच्छे से कंपनी का एक एंटीवायरस देखना होता है कि किस कौन सा हैवी एंटीवायरस होता है। जैसे कि जब हम गेम चूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये गेम बेकार है या फिर वो एक गेम बेकार है, हम इसको डालेंगे या फिर इसको डालेंगे। तो उसी तरह आपको अपना एक पहले अच्छे से नेट पर देख के कौन सी कंपनी एंटीवायरस का अच्छा सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से आप उसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट, में सबसे पहले तो एक इंस्टॉल एक गुड एंटीवायरस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि
कि एक अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस करे। और टाइम टू टाइम आप जैसे अपने फ़ोन्स वगैरह को अपडेट करते हैं, तो उसी तरह अपने एंटीवायरस को भी रेगुलरली चेक करते रहें कि अपडेट आया। यानी कि कंपनियां अपडेट में क्या करती हैं कि आपको फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कभी आप देखेंगे जब कोई चीज़ अपडेट होती है तो उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। कोई चीज़ 500 MB की तो वो हो सकता है 600 की हो जाए, ताकि उसमें जब अपग्रेडेशन आती है तो उसमें फाइल बढ़ाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए वो चीज़ एक्स्ट्रा साइज में हो जाती है, ठीक है। तो आप रेगुलरली अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहिए, और एक बोर्ड अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई नेट से अपना एंटीवायरस डालें ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। उसके बाद बी केयरफुल वाइल डाउनलोडिंग फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि ठीक अच्छी वेबसाइट्स पर आप जाएं, वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करें। कोई अननोन वेबसाइट आपको कुछ दिखा रही है कि लाइक हम आपका ये चीज़ डाउनलोड कर देंगे, बट आपको सबसे पहले ये हमारा एक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मत कीजिए। सही वेबसाइट्स पे, जेन्युइन वेबसाइट से आप चीज़ों को, फाइलों को डाउनलोड करिए इंटरनेट के थ्रू जो आप करते हैं। तो ऑलवेज स्कैन योर फ्लॉपी सीडी फ्लैश ड्राइव बिफोर यूजिंग देम, यानी कि जो भी आपकी जितने भी डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं, SSD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह को प्रॉपरली किसी के कंप्यूटर से लाते हैं तो उसको पहले स्कैन कीजिए। तो ये भी एक प्रोटेक्शन है आपके कंप्यूटर में वायरस ना आने के लिए। एंड डू नॉट यूज प्राइवेट सॉफ्टवेयर, प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूज मत कीजिए। टर्न ऑन फायरवॉल ऑफ योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर जो अब मतलब कि विंडो है उनको अपने टर्न ऑन फायरवेल रखिए, जो कि यहाँ एक सिंबल है आपकी विंडो में भी आता है, तो ये भी काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। ये ऑफ रहेगा तो वायरस काफ़ी जल्दी और भी आ सकता है। उसके बाद ये आपके कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने बताया था व्हाट इज़ ए एंटीवायरस, के एंटीवायरस क्या हो सकता है, किस तरह हार्मफुल हो सकता है या फिर किस तरह वो बचा सकता है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन देना होगा आंसर आपके थ्योरी के आपकी क्लास के बाद, जो कि इसका आंसर आपको अपनी PPT में ही मिल जाएगा। सेकंड इज़ दैट कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ वायरस, की वायरस की हिस्ट्री क्या क्या है, ये भी मैंने आपको PPT में दिखाया था। एंड थर्ड इज़ दैट कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस, कि एक कंप्यूटर वायरस क्या हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है कंप्यूटर के लिए, कितना हमको वो डैमेज कर सकता है और क्या क्या डैमेज कर सकता है या किस तरह वो हमको विजिबल होता है। ये सारा कुछ आपको असाइनमेंट क्वेश्चन जो हैं PPT के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको इनको आंसर देने में कोई इतना दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो थैंक यू एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।